ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। आप सभी जानते हैं टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। टेलीविजन की नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई ग्रेड। तो आज हम बात करेंगे टीआरपी के बारे में। हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 3 बड़े चैनल पे टीआरपी मैनिपुलेशन का आरोप लगाया और बीएआरसी के डिवाइसेस को रिक करने का भी आरोप लगाया और कहा कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जानेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां टीआरपी से रिलेटेड, बीएआरसी से रिलेटेड, और जानेंगे कैसे टीआरपी कैलकुलेटेड होती है। तो सबसे पहले जानते हैं टीआरपी क्या होती है। तो टीआरपी की फुल फॉर्म होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। टीआरपी रेटिंग्स ये दर्शाती है कि कितने लोग किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज में किसी भी एक चैनल या किसी भी एक शो को कितने टाइम तक देखा। ये एक घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है और एक वीक भी हो सकता है। इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी कि एक मिनट को कंसिडर करती है और इस डेटा को हर वीक पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। एक फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीवी इंडस्ट्री का बिजनेस अराउंड 78,000 करोड़ रुपीस का एनुअली है। टीआरपी एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजिंग कंसिडरेशन होता है जो कि एडवर्टाइजर्स को अपने एडवर्टाइजमेंट में ये बताता है कि वो किस चैनल में अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाए, जिसके थ्रू एडवर्टाइजर्स कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं टेलीविजन रेटिंग्स देता कौन है। बीएआरसी, जिसे कि हम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल भी कहते हैं, टेलीविजन रेटिंग इशू करता है। तो बीएआरसी ने 45,000 हाउसहोल्ड्स में बार ओ मीटर्स इंस्टॉल किए हैं, उस परिवार या उस हाउसहोल्ड के मेन अर्निंग सोर्स की इनकम के बेसिस पे। तो ये बार ओ मीटर्स जब एक्टिव होते हैं, जब भी कोई हाउसहोल्ड कोई चैनल या फिर कोई शो को देख रहा होता है, और ये उनके वॉच टाइम को भी कैप्चर कर लेता है। तो इसी तरह पूरे 45,000 हाउसहोल्ड का डेटा बीएआरसी के पास अवेलेबल होता है, इसी के अकॉर्डिंग वो हर वीक में टीआरपी रेटिंग्स इशू करते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पूरे इंडिया के हाउसहोल्ड का डेटा नहीं लिया जाता है, क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हम 120 या 130 करोड़ के लोगों के हाउसहोल्ड में बारोमीटर इंस्टॉल किए जाए। इसीलिए सैंपल लिया जाता है 45,000 एम्पैनल्ड हाउसहोल्ड्स में। तो ये जो एम्पैनल्ड हाउसहोल्ड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है उन लोगों में इंस्टॉल किया जाता है, ताकि पूरा इंडिया इसमें इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट हो और उनका वॉचिंग बिहेवियर रिकॉर्ड किया जाए। और इसी डेटा के थ्रू एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज अपने चैनल और अपने शोज को चूज करती हैं और उनके रेट्स डिसाइड होते हैं। तो अब जानते हैं कैसे टीआरपी डेटा को रिग किया जाता है। तो देखिए, ये बहुत सिंपल है और थोड़ा ट्रिकी भी। अगर ब्रॉडकास्टर्स ये पता लगा लें कि वो जो 12 ओम मीटर्स है किस हाउसहोल्ड्स में इंस्टॉल किए गए हैं, तो वो इजीली उनको ब्राइब देके या पैसे देके उनको कंपेल कर सकते हैं कि वो चैनल या फिर वो एक शो उस टाइम पे देखा जाए, ताकि टीआरपी रेटिंग्स मैन्युपुलेट किए जाए। एक और दूसरा तरीका ये है कि जो मल्टी केबल ऑपरेटर्स होते हैं या फिर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं, उनको ये कहा जाए कि जब भी कोई टीवी स्विच ऑन करे तो सबसे पहले उनका चैनल ऑन हो, बिकॉज इट इज़ डिसाइडेड बाय केबल ऑपरेटर्स कि जब टीवी ऑन होगा तो कौन सा चैनल सबसे पहले शो होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टीआरपी पूरे कंट्री के वॉचिंग बिहेवियर को नहीं मापता, लेकिन जो 45,000 हाउस होल्ड देखेगा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये दे दूँ कि ये पहली बार एलिगेशन नहीं लगाए गए हैं। पहले भी TV9 भारतवर्ष के अगेंस्ट एक कंप्लेंट की गई थी, और ये भी कंप्लेंट की गई थी कि दूरदर्शन की जो व्यूअरशिप है उसको अंडर रिपोर्ट किया जाता है। तो हम इम्पोर्टेंट सेक्शन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी डन, हमें क्या करना चाहिए ताकि ये एलिगेशन हम कम्प्लीटली नेगेट कर पाएं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास अभी भी कोई एक ऐसा लॉ नहीं है जिससे हम किसी भी इन्फिल्ट्रेशन करने वाले या फिर टेम्परिंग करने वाले को पिनलाइज कर सकें। देर हैव बीन इंस्टांसिस कि बीएआरसी ने FIR रजिस्टर्ड कराई हुई है, लेकिन किसी लीगल फ्रेमवर्क के अवेलेबल ना होने से पुलिस एजेंसीज कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाती। तो सबसे इम्पोर्टेंट एंड पहला स्टेप ये होना चाहिए कि पार्लियामेंट एक लॉ लाए जिसमें ये टेम्परिंग करना पिनलाइज किया जाए और एम्पैनल हाउसहोल्ड्स को भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल किया जाए, ताकि किसी भी ब्राइब की सिचुएशन को ओवरकम किया जाए। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।